जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पे पहले भी बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, लेकिन अर्थ में कुछ चेंजेस आने की वजह से इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आपको पता होगा कि हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वह बहुत बड़ी है, और आपको यह भी पता होगा कि अर्थ से भी ज्यादा बड़ा सन होता है, मीन सूरज होता है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के अलावा भी और ऐसे 7 प्लैनेट होते हैं जो इस यूनिवर्स में मौजूद है। तो ये जो रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं, इन सभी का अस्तित्व यूनिवर्स में है। तो जब अर्थ इतनी बड़ी है, सन इतना बड़ा है, जो आसमान में जो स्टार्स होते हैं वो इतने बड़े हैं, बहुत सारी यहाँ पे गैलेक्सीज होती है जब इतनी बड़ी है, तो आप इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 प्लैनेट। सबसे पहले है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्लैनेट वह है प्लूटो, जो कि अभी प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि वो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, मींस बौना ग्रह। आपको यह भी पता होगा कि यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स भी है। एस्टेरॉइड्स इन प्लैनेट्स के बीच में होते हैं। इनके टकराव होने की वजह से ही पहले अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, और यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज भी हैं। तो आप ये देख ही प्यारे होंगे कि इतनी मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप देख ही पा रहे होंगे, तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो है बहुत 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 विशाल है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है वह कितना बड़ा होगा, क्योंकि हम इतनी सारी चीजों को एक बार में नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसका कुछ ही बार देख सकते हैं। तो ये आप देख ही होंगे, यहाँ है मिल्की वे गैलेक्सी। ये वह गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको